प्रोग्राम का आज 10वां 11वां दिन है। अलहमदुल्ला मंजिल से प्यादर मुसलमिन के जो नुमाइंदगी करे है असेंबली में, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और एरिया एमएलए मोबिन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस 3-4 दिन में असेंबली में आवाज उठाए पर्जा पलाना प्रोग्राम में फार्म के लिए हमारे पब्लिक को सहूलत नहीं, बल्कि उसके बाद असेंबली में आवाज उठाने के बाद स्पीड बढ़ गई है। किशनबाग पार्क में ये कैंप पड़ा गया था पर्जा पलाना प्रोग्राम का, अलहमदुल्ला गवर्नमेंट उसको तेजी लाई है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असेंबली में आवाज उठाने के बाद आज 7-8 दिन में कुछ कम हुए थे, आज 3 दिन के बाद बढ़ के ज्यादा फार्म्स को अपडेट किया जा रहा है। अब तक 4000 चिल्लर फार्म्स हो गए हैं। मंजिल से प्यादर मुसलमीन हमेशा आवाम के बीच में रहकर काम करना, बल्कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहते हैं और गवर्नमेंट से एक काउंटर पढ़ाया गया था, यहाँ पर लोड ज्यादा होने से मंजिल से प्यादर मुसलमीन की जानिब से 2 काउंटर को बढ़ा दिया गया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग ने यहाँ पर आकर बोल रहे थे कि एक काउंटर से पब्लिक कवर नहीं हो रही, वो तो दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मोबिन साहब को कहा कि एक और 2 काउंटर बढ़ा, बोले तो मोबिन साहब ने 2 काउंटर बढ़ा दिए है। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक को जो सहूलत देना है, यहाँ के इब्तदाई सदर मोतमोदीन हार्ड वर्कर्स मिलकर मंजिल की जानिब से उनको सहूलत दे रहे हैं। पहले एक दिन पहले टोकन दिया जा रहा है, फिर लाइन में ठहर कर सुबह 9 बजे से रात दिन के 5 बजे तक आवाम के बीच में रहकर इब्तदाई सदर मोतमोदीन काम कर रहे हैं और ये कैंप 10 से 12 दिन चलेगा। और जो लोग अपडेट हुआ है अब तक गैस सिलेंडर का, तो उसमें सब्सिडी भी आ चुकी है बहुत सारे लोगों को 314 रुपये। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि किशनबाग के जो 56 वाट के वोटर्स है उनको किशनबाग पार्क पर आकर इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे बैरसर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही कह दिए थे गवर्नमेंट जब स्कीम निकाली तो फॉर्म्स आप लोग फिलअप करिए, बोल के वो फॉर्म जो लोग फिलअप करे है फौरन आके किशनबाग पार्क में इसका जीएचएमसी के काउंटर्स पड़े हुए है और मंजिल से प्यादर मुसलमीन की जानिब से भी 2 काउंटर डाला गया है। आवाम को जहाँ तक सहूलत देना है इंशाल्लाह ताला मंजिल से प्यादर मुसलमीन आपके बीच में रहकर साथ दी। अच्छी बात ना पाने दे।
ओटीपी लिया है भाई।